नमस्ते, दिस इज गीतू मीरपुरी फ्रॉम डिवाइन टचिलिंग अकेडमी। डिवाइन टचिलिंग अकेडमी में आपको ऑनलाइन टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशंस दिए जाते हैं। आप फोन कर सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशंस ले सकते हैं। ये वीडियो बन रहा है कैप्रिकॉन साइन के लिए। आपका अगस्त 2020 मंथ कैसे जाने वाला है? कैप्रिकॉन राशि वाले बहुत ही कंट्रोलिंग वे में अपनी लाइफ जी रहे हैं। यहाँ पर जैसे फर्स्ट कार्ड हमको आया है कि टू मच आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं, बिल्कुल भी इमोशनली नहीं सोच रहे हैं और एक बहुत स्ट्रिक्ट सा अपना नेचर बना लिया है। और बेसिकली कुछ लोग साड़ी साथी से भी डरे हुए हैं कैप्रिकॉन राशि। पर आपको याद रखना है कि जब आप अच्छे रास्ते पर होते हैं, आप किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, तो साढ़े साथी आपका कुछ भी नुकसान नहीं करती है। आपको जितना टाइम मिलता है आपके ऑफिस टाइम के बाद, आप अगर परोपकार का काम करते हैं, दूसरों के भलाई का काम करते हैं, कोई नौकरी ढूंढ रहा है आप उसे नौकरी ढूंढने में हेल्प करते हैं, किसी को पैसे की तकलीफ है आप उसको लोन वगैरह लेकर देने में हेल्प करते हैं। आप चैरिटी मत कीजिए बट आप उनको हेल्प कीजिए उनके कामों में। किसी का मैरिज नहीं हो रहा है तो आप उन्हें हेल्प कीजिए अलायंस ढूंढने में। किसी को आध्यात्मिक, किसी के घर में पीस नहीं है, आप उनको थोड़ा आध्यात्मिक प्रैक्टिस करवाते हैं, मेडिटेशन योगा करवाते हैं, आप उनके घर में पीस देते हैं, या फिर किसी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। इस तरह की हेल्प जब आप करते हैं, आप देखेंगे हमारे जो बुजुर्ग थे वो हमेशा अपने आप को बिजी रखते थे, दूसरों के प्रॉब्लम को भी अपना प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करते थे। कैप्रिकॉन राशि वाले, जब ऐसा आप एटीट्यूड रखेंगे आपके लाइफ में, आपका काम हो जाने के बाद अपना नुकसान नहीं करना है आपको, उसके बाद फ्री टाइम में यू हैव टू हेल्प अदर्स। तो आप जब ये काम करते हो तो साढ़े साथी आपका कुछ भी नेगेटिव नहीं करती है। आप बहुत ही कंट्रोलिंग माहौल में रह रहे हो। यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आपकी स्पीच बहुत हार्श हो गई है, आप लोगों की तरफ इनसेंसिटिव हो गए हो। आप थोड़ा सा अपने नेचर को बैलेंस करें, टू मच लॉजिकल भी आप ही को नुकसान पहुंचा सकता है। व्हेन यू आर हार्श विथ समबडी, सो फर्स्ट यू आर हर्टिंग योर सेल्फ, देन यू आर हर्टिंग अदर्स। तो ये लॉन्ग टर्म में आप ही के हेल्थ को प्रॉब्लम्स देने वाला है। जब आप गुस्सा करते हो तो पहले एक केमिकल आपके अंदर बनता है, आपके शरीर को वो नुकसान करता है, सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनके हेल्थ को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड कार्ड है आपके फैमिली के लिए, आपने टू मेनी पीपल यू हैव डिस्कस्ड विद अबाउट योर फैमिली, तो आपको वो कम करना है। आपको अपना एक फर्म ओपिनियन रखना है अपनी फैमिली के लिए और आपकी तरफ से पॉजिटिव रहना है फैमिली के साथ। देन आपके जो करेज है दिखाता है कि आपने बहुत काम किया है, आपके करेज के ऊपर बहुत हार्डवर्क किया है और एट प्रेजेंट आप थोड़े बैलेंस्ड मोड में चल रहे हैं। आपकी फैमिली हैप्पीनेस रहेगी अगर आप एफर्ट्स डालेंगे तो, अदरवाइज फैमिली हैप्पीनेस नहीं रहेगी। बच्चे आपसे कुछ छुपा रहे हैं या आप बच्चों से कुछ छुपा रहे हैं तो वहां पर आप थोड़ा ध्यान दें बच्चों के ऊपर। और अपनी क्रिएटिविटी को भी आप छुपा रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को आप लोगों को दिखाएं। और जरूरी नहीं है कि अगर कुछ लोग आपसे कुछ नेगेटिव कह रहे हैं तो उसका ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आएगा। कुछ लोगों को ध्यान नहीं दें और अपनी क्रिएटिविटी को आप दिखाएं और कोई ना कोई अप्रिशिएटर आपको जरूर मिलेगा और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी क्रिएटिविटी का लेवल भी बढ़ता जाएगा। देन नेक्स्ट कार्ड इज आपके स्ट्रेस के लिए। अगेन यहाँ दिखाता है कि बिकॉज आपने नॉर्मल रूटीन से ब्रेक लिया है, आपका बिजनेस है अभी बंद है बिजनेस, आप आइडल बैठे हो, या आपकी जॉब है, आप घर से कुछ जॉब कर रहे हो, या एट प्रेजेंट आप जॉबलेस हो, तो वो स्ट्रेस आपके ऊपर है। तो पैसों का स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, कर्मास पर ध्यान देना है और फल की इच्छा जो है वो भगवान पर छोड़ देनी है। आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है कि आप बहुत ईजी ले रहे हो और इसीलिए आपका रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव जा रहा है। अगर कुछ इनहेरिटेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो थोड़ा डिले होने के चांसेस है। 4 to 5 months आपको लगेंगे आपका इनहेरिटेंस मिलने में। आपकी लक आपके साथ है। अगेन दिस कार्ड इंडिकेट्स द सेम थिंग, दैट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। इंसान को लगता है कि उनके पास समय बहुत है लेकिन
कल क्या होगा हमें पता नहीं है, इसीलिए जो भी हम सोसाइटी के लिए सोचते हैं वो आप इसके लिए नहीं रखें कि मैं रिटायर होने के बाद करूंगा। अभी आपके पास स्टेमिना है, अभी आपके पास रिसोर्सेस हैं, तो आपको जो भी सोसाइटी के लिए करना है वो अभी साइमल्टेनियसली आपको करना है। देन करियर के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, आपको कुछ डिसीशंस लेने पड़ेंगे, मे बी आपका ट्रांसफर होगा या मे बी आपका प्रोफाइल चेंज होगा, कंपनी चेंज होगी, सम चेंज इन योर करियर, बट दैट इज ब्रिंगिंग हार्मनी टू योर रिलेशनशिप। सो बहुत पीसफुली आप डिसीशंस लें और डिसीशंस को डिले नहीं करें। नेक्स्ट है इनकम, आपके पास उतना रहेगा कि आप खुद भी खाएंगे और जो घर पे मेहमान आएंगे उनको भी आप खिला सकेंगे और आपके जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगे, लेकिन आपके जो वॉन्ट्स हैं वो अभी 3-4 महीने फुलफिल नहीं होंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो डेवलप होता है जब आप अपने फैमिली के साथ रहते हो, तो अपनी फैमिली को आप बहुत ही अच्छा इमोशनल सपोर्ट दें और इन रिटर्न आप फैमिली से बहुत प्यार पाएंगे जिससे आपका सबकॉन्शियस डेवलप होता है। वी गॉट नेगेटिव कार्ड फॉर द इनहेरिटेंस एंड लीगल केस, सो लेट्स टेक एंजल एडवाइस कि एंजल्स हमें क्या एडवाइस करते हैं इनहेरिटेंस के लिए और लीगल कोर्ट केसेस के लिए, ऑल्सो बच्चों के लिए, कि बच्चे अगर कुछ छुपा रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। सो दीज आर एंजल कार्ड्स और ये बहुत ही अच्छे लेमिनेटेड कार्ड्स हैं, इनको यूज करना बहुत इजी होता है। जो भी कार्ड हमें मिलता है, हमें मैसेज फॉर्म में मिलता है, उसे हम पूरा दिन अपने पास रख सकते हैं, अपने बुक में रख सकते हैं, अपने ऑफिस टेबल पे रख सकते हैं, अपने मंदिर में रख सकते हैं वन डे के लिए, तो वो मैसेज हमें पूरा दिन रिमाइंड करता रहेगा, दो वी आर नॉट रीडिंग दैट मैसेज बट सबकॉन्शियसली वो हमें अलर्ट करता रहता है, हमें ब्लेस करता रहता है। सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर इनहेरिटेंस। सो यहाँ पर कार्ड आया है शनि भगवान का और शनि भगवान कहते हैं आपका 7.5 है और शनि भगवान आपको मैसेज दे रहे हैं कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एज स्ट्रांग एज ट्रुथ एंड एज पावरफुल एज धर्म। सो जितना सच स्ट्रांग है उससे ज्यादा कुछ और स्ट्रांग नहीं है, तो आप सच की राह पर चले। नेक्स्ट कार्ड है कि धर्म, धर्म क्या है, ड्यूटी, आपको ड्यूटी करना है टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर सोसाइटी, टुवर्ड्स योर सिटी, टुवर्ड्स योर नेशन, तो आप अगर ड्यूटीफुल हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, शनि को बहुत पसंद है हार्ड वर्किंग लोग, उन्हें लेजी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जितना हम हार्ड वर्क करते हैं किसके लिए भी, आप सोसाइटी के लिए कुछ करोगे आपको प्रमोशन मिलेगा, आप दूसरों के बच्चों के लिए कुछ करोगे आपके बच्चों की प्रोग्रेस होगी, ये नेचर का नियम है, व्हाट यू गिव यू गेट इट। तो बिल्कुल भी अपने आप को आइडल नहीं रखें, कीप हेल्पिंग पीपल, शनि भगवान इज ब्लेसिंग यू एंड वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि सच से ज्यादा पावरफुल और धर्म से ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है आपके बच्चों के लिए, बच्चे आपसे कुछ छुपा रहे हैं या उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, प्लस आप आपकी क्रिएटिविटी को डिस्प्ले नहीं कर रहे हो, लोगों को बता नहीं रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है। सो वी आर गेटिंग दिस कार्ड, महाकालेश्वर जी का कार्ड आया है और ये क्रिएटिविटी के ही गॉड हैं और इनका मैसेज है हु टेक्स अवे ऑल डार्कनेस, महाकालेश्वर हु टेक्स अवे ऑल डार्कनेस और द सुप्रीम टू विच ऑल डिसॉल्व्स एट द एंड ऑफ टाइम। सो एक दिन हम सबको महाकाल, मीनिंग एक दिन हम सबको सरेंडर करना है भगवान को, तो किस चीज से डरना है, वाई नॉट टू स्टार्ट टूडे, वाई नॉट टू स्टार्ट शोइंग योर क्रिएटिविटी टूडे। और बच्चों से भी जैसे यहाँ पर आया हु टेक्स अवे ऑल डार्कनेस और द सुप्रीम टू विच ऑल डिसॉल्व्स एट द एंड ऑफ द टाइम, तो ये हमारा डर निकालने के लिए आया है ये कार्ड, कि हमें किसी प्रकार का डर नहीं रखना है, एट द एंड सबको वहीं पे सरेंडर करना है महाकालेश्वर जी के पास, तो क्यों ना हम इस डर के ऊपर जिए, क्यों ना हम अपनी क्रिएटिविटी को कम्प्लीटली डिस्प्ले करें और क्यों ना हम
खुलकर अपने बच्चों से बात करें किसी चीज का डर रखे बिना. आई होप यू ऑल विल लाइक दिस रीडिंग. काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.